हेलो स्टूडेंट, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जो कि थ्योरी ऑफ मशीन का हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अगर बोला जाए तो देखिए, सिंगल स्लाइडर कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक हमारे पास क्या आएगा, स्लाइडर आएगा। जैसा कि अभी पीछे हम लोग वीडियो में देखा था तो उसमें क्या था, चेन देखा था और 4 बार चेन देखे थे और 4 बार चेन के इन्वर्जन देखे थे, ठीक है। तो 4 बार चेन में अगर हम डिस्कस करें तो 4 बार चेन को क्या कहेंगे आप, कि जैसे उसमें कितने लिंक थे, 4 लिंक थे आपके और 4 टर्निंग पेयर थे। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये आपने देखा था कि देखो ये है आपका 4 बार चेन। अभी ये मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि मैंने एक लिंक फिक्स नहीं किया है, कोई भी लिंक मैंने फिक्स नहीं किया। अगर फिक्स कर देता और उससे रिलेटिव मोशन हो जाता तो क्या बन जाता, मैकेनिज्म। जैसा कि अभी क्या देखे थे, इन्वर्जन में, इन्वर्जन किसे कहते थे हम लोग, ये क्या था, ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग द लिंक 1 बाय 1 बट 1 एट अ टाइम। एक समय पर एक ही लिंक को फिक्स करेंगे और वहाँ से हम क्या करते थे, अलग अलग मैकेनिज्म प्राप्त होता था, मिलता था हमें, ठीक है। तो लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पे से सिंपल 4 बार चेन की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 1, 2, 3 और 4 लिंक। तो L डिस्कस करें, नंबर ऑफ लिंक कितना है आपके पास, 4 है, ठीक है। और देखो ये टर्निंग पेयर है, ठीक है, आपको पता है ये भी क्या है, टर्निंग पेयर है। यहाँ भी क्या है, टर्निंग पेयर है, ठीक है, ये सब क्या है, टर्निंग पेयर। तो क्या बोलोगे, कितने आपके पास टर्निंग पेयर है, 4 टर्निंग पेयर है, क्लियर। अगर आप क्या बात कर रहे हो, 4 बार चेन की बात करो, ठीक है, तो कितने हैं, नंबर ऑफ लिंक 4 है और टर्निंग पेयर आपके कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूंगा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की, तो इसमें क्या होगा कि जो टर्निंग पेयर है, जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्निंग स्लाइडर आ जाएगा, यानी स्लाइडिंग पेयर आ जाएगा, और बाकी जो 3 रहेंगे वो क्या रहेंगे, टर्निंग पेयर होंगे। तो आओ इसको देखते हैं, बना के दिखाता हूँ मैं, देखिए ये रहा आपका सिलेंडर, ठीक है, उसके अंदर है आपका पिस्टन, ये हो गया आपका क्रॉस हेड, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं स्लॉटर या फिर क्या बोल सकते हो, बियरिंग। ये क्या होगा आपका, फिक्स्ड लिंक है, ठीक है, जो आपका सिलेंडर भी होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक। यहाँ से क्या होगा, एक कनेक्टिंग रॉड लगा होगा और वो किससे कनेक्ट होगा आपका, क्रैंक से, ठीक है। इसका मोशन कैसा होगा आपका, सर्कुलर मोशन, ठीक है, और ये हो गया आपका लाइन ऑफ मोशन, ठीक है, ये क्या है आपका, लाइन ऑफ मोशन। तो आओ देखते हैं इसे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ये क्या है आपका, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जैसा कि आप आईसी इंजन या फिर थर्मोडायनेमिक्स में देखे थे, तो अगर मैं इंटरनल पार्ट की बात करूं, उनके जो भी मैकेनिज्म होते थे एक्सटर्नल कंबशन इंजन में, अगर कंबशन की बात करूं तो वो फिर किसके डील करेगा, वो थर्मोडायनेमिक्स को डील करेगा, आईसी इंजन को डील करेगा, ईसी इंजन को डील करेगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे केवल क्या बात कर रहा हूँ, जो इसमें लिंक और पेयर का अरेंजमेंट है, ठीक है, लिंक का जो अरेंजमेंट होगा उससे जो मैकेनिज्म मिलेगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो इंटरनल पार्ट की डिस्कस नहीं करेंगे जो कि हीट से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलो इसका नाम लिख लेता हूँ मैं, ये क्या था आपका, सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, ये क्या है आपका, पिस्टन, ठीक, ये है आपका, ये है, ये पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये है आपका स्लॉटर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इसको बियरिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, ये है आपका क्रॉस हेड, क्रॉस हेड, ठीक है, ये पॉइंट, यह है आपका कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया आपका क्रैंक, ठीक। देखो अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कितने थे आपके, 4 टर्निंग पेयर हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके, देखो ध्यान से देखते हैं इस बात को। अगर मैं बात करूँ केवल लिंक की, तो लिंक देखो
ये यहाँ पे देखो, अगर दो दो पहले डायग्राम समझो, अगर कोई इस टाइप से दिया रहे, ऐसे रहे, जैसे ये आपका हो गया पिस्टन, ठीक, यहाँ से कोई ऐसे टर्निंग पेयर के थ्रू एक लिंक कनेक्ट रहे, तो ये कैसा जॉइंट बन रहा है आपका, टर्निंग पेयर। तो यहाँ पे दो लिंक हैं, लिंक नंबर वन, लिंक नंबर टू, क्लियर हो गया। अगर यही बात करूँ मैं, ऐसे कुछ डायग्राम है आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट है, और ये आपका जॉइंट कैसा होगा, वेल्डेड जॉइंट होगा, क्या किया रहेगा, वेल्डेड जॉइंट। तो ये अगर बात करोगे लिंक की, तो ये पूरे लिंक कितने हैं, एक ही लिंक है, क्योंकि इनके और इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो वो लिंक कैसा है, सिंगल लिंक है, क्लियर। लेकिन इनके और इनके बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो ये क्या है, अलग अलग लिंक हैं, क्लियर है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये क्या होगा, इससे एकदम कनेक्ट है बिल्कुल ऐसे, तो यहाँ पे ये जो जॉइंट है वो कैसा जॉइंट है, वेल्डेड जॉइंट है। तो ये पूरा एक ही लिंक है, यहाँ से लेकर पूरा क्या है, एक सिंगल लिंक है, ये भी क्या पूरा एक सिंगल लिंक है। चलो लिंक देता हूँ मैं, माना कि ये क्या है, जो फिक्स्ड है उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ वन, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स्ड है, तो ये भी वन हो गया, ये भी फिक्स्ड है तो वन हो गया, क्लियर। अब देखो ये एक अलग लिंक है, इसको हमने मान लिया लिंक नंबर टू, क्लियर है। ये देखो कनेक्टिंग रॉड, ये क्या हो गया, लिंक नंबर थ्री, और ये जो पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब क्या है, एक ही लिंक है, तो इसको मैंने डिनोट कर दिया लिंक नंबर फोर। तो ये भी फोर, ये भी फोर, ये भी फोर, क्योंकि सारे एक ही हैं, क्लियर है। ये आपस में क्या है, एक सिंगल लिंक है, कोई भी इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं पेयर की बात करूँ यहाँ पे, तो पेयर क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे कैसा पेयर बना रहा है, टर्निंग पेयर, ठीक है, यहाँ भी कैसा बन रहा है आपका, टर्निंग पेयर, और ये कैसा बन रहा है, टर्निंग पेयर, क्लियर है। तो तीन टर्निंग पेयर। अगर आप यहाँ की बात करो तो ये कैसा है आपका, इसके लिंक नंबर वन और फोर के बीच में क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, लिंक नंबर वन और फोर के बीच में क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो यहाँ पे अब देखो वन फोर सारा एक ही लिंक है, तो एक ही पेयर बन रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, ये सब क्या है, एक स्लाइडिंग पेयर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, ठीक है, तो ये एक ही है, क्योंकि लिंक नंबर फोर और वन क्या मिलके बना रहे हैं, एक स्लाइडिंग पेयर। तो यहाँ अगर लिंक नंबर फोर लिंक की बात करो, टोटल लिंक कितने हो गए, अगर लिंक की बात करो तो कितना है, चार ही लिंक है। देखो एक जो कि फिक्स्ड है, दो क्रैंक हो गया, तीन कनेक्टिंग रॉड है, ये हो गया आपका स्लॉटर या फिर बी रिंग बोलते हैं, ठीक है, और ये है आपका क्रॉस हेड, ये क्रॉस हेड है, ये ऊपर वाला स्लॉटर और वो था लिंक नंबर वन, ठीक है, और ये जो क्रॉस हेड है वो क्या हो गया, लिंक नंबर फोर, और ये है आपका पिस्टन बोल लो इसको, लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, ये है आपका पिस्टन, ठीक है। तो ये सारे मिला के क्या बन रहे हैं, लिंक नंबर एक ही लिंक है, ठीक है, और ये क्या है, फोर मैंने डिनोट किया। तो टोटल लिंक यहाँ पे कितने हैं, फोर है। अगर मैं टर्निंग पेयर की बात करूँ तो टर्निंग पेयर देखो कितना है यहाँ पे, एक दो तीन टर्निंग पेयर है, ठीक है, और स्लाइडिंग पेयर की बात करूँ तो कितना है आपका, स्लाइडिंग पेयर कितना है, एक है। तो ये है आपका टोटल, अगर इस मैकेनिज्म की बात करूं तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो ये तो क्या है आपका, एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में डिस्कस किया। अगर यही बात करूं इंटरनल कंबशन इंजन की, तो इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है, सिंपल यहां पे क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, ठीक, यहां पे क्या लगा रहेगा, कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया क्रैंक, और ये हो गया इसका मोशन, और ये हो गया लाइन ऑफ मोशन, ठीक। तो ये क्या है आपका, आईसी इंजन, और ये हो गया आपका ईसी इंजन, ईसी इंजन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और ये हो गया इंटरनल कंबशन इंजन, नाम आपको पता ही है। ये हो गया आपका सिलेंडर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, देखो इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, अगर आप एक्सटर्नल कंबशन की बात करो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक क्रॉस हेड आ जाता है और वो बियरिंग से अटैच होता है। लेकिन अगर आप सिंपल बात करो आईसी इंजन की, तो यहाँ पे कोई भी क्रॉस हेड नहीं आता, केवल आपका जो यहाँ पे पिस्टन होगा वो डायरेक्ट टर्निंग पेयर के साथ कनेक्ट होगा, किससे, कनेक्टिंग रॉड से,
ठीक है। लेकिन यहाँ भी देखो तो लिंक कितने हैं आपके, टोटल लिंक देखो कितने हो गए, चार, ठीक है, टोटल लिंक है आपके फोर। और टर्निंग पेयर की बात करो तो ये हो गया आपका एक, यहाँ पे देखो तो ये भी क्या है, एक टर्निंग पेयर है, ये भी टर्निंग पेयर है, ये भी क्या है, टर्निंग पेयर है। और यहाँ से लिंक नंबर, लिंक दे दो, ये वन दे दो जो फिक्स है, वन टू थ्री, और ये हो गया आपका पिस्टन फोर, ठीक है। तो यहाँ पे वन और फोर जो बना रहा है वो कैसा है आपका, स्लाइडिंग पेयर है। तो वन और फोर के बीच में क्या है, स्लाइडिंग पेयर है। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, देखो आपको अगर टर्निंग पेयर की बात करो तो कितना है आपका, तीन, स्लाइडिंग पेयर भी कितना है, एक है, ठीक है, और हो गया टोटल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, स्लाइडिंग पेयर एक है, टर्निंग पेयर एक है, जो कि आपका एक्सटर्नल कंबशन में था। तो देखो ये तो हो गया आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जो कि हमने इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन देखा। अब मैं इसके क्या, देखो अभी हमने देखा था फोर बार चेन का इन्वर्जन देखा था, एक एक लिंक को फिक्स किया था, तो वहाँ पे कितने इन्वर्जन मिले थे हमें, तीन इन्वर्जन मिले था, क्योंकि चौथा तो एक ही था, क्रैंक रॉकर और रॉकर क्रैंक को हमने एक ही माना था, जैसे था डबल क्रैंक, डबल रॉकर और क्रैंक रॉकर, तो तीन इन्वर्जन मिले थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिंगल स्लाइडर की तो यहाँ पर अलग होंगे, टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन चार मिलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग मैं दिखाता हूँ कि कितने मिलेंगे। इसमें आपने तीन देखा था, क्रैंक रॉकर, रॉकर क्रैंक एक ही थे, ठीक है, तो इसमें तीन इन्वर्जन मिले थे। अब मैं बात करूँगा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में कितने इन्वर्जन होते हैं, तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। एक चीज़ यहाँ देख लो आप, इसको हम लोग बोलते हैं स्लीपर बोलते हैं, एग्जैक्ट नाम लिख लो इसका, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है आपका, ये है आपका स्लीपर है, ठीक है। और क्या, बियरिंग तो है ही, तो इसको आप बोल दो, क्या बोलो, गाइड बियरिंग। क्या है ये, गाइड बियरिंग, किसको गाइड कर रहा है, गाइड बियरिंग किसको गाइड करेगा आपको, ये जो क्रॉस हेड, इसको आपको क्या करेगा, करता है, ये गाइड करता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्लीपर बोलेंगे या फिर क्या बोलो, गाइड बियरिंग बोलोगे, बाकी ठीक है सब। तो अब हम इसका देखते हैं, इन्वर्जन देखते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। तो देखो हमारे पास कितने लिंक है इसमें, चार लिंक है, और आपका एक स्लाइडिंग पेयर है और तीन क्या है, टर्निंग पेयर है। तो देखो अलग अलग इन्वर्जन होंगे इसके, चार अलग अलग इन्वर्जन। तो देखो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट लिंक क्या था हमारे पास, सिलेंडर था। अगर मैं सिलेंडर को फिक्स करता हूँ, तो सिलेंडर को फिक्स किया था तो क्या मिला था आपको, एक आईसी इंजन मिला था या फिर ईसी इंजन मिला था, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और क्या बोलते थे उसको, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो देखो अगर बात करें हम रेसी, देखो अगर मैं सिलेंडर को फिक्स करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास इन्वर्जन, तो पहला इन्वर्जन मिलता है सिलेंडर फिक्स करने पे, तो यहाँ पे उसके दो एप्लीकेशन मिलते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन, और दूसरा क्या है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो देखो कंप्रेसर में क्या होता है कि किसी भी, अगर आईसी इंजन की देखो तो आप एनर्जी कहाँ से लेते हो, स्लाइडर के थ्रू एनर्जी लेते हो, किस पे, क्रैंक पे। लेकिन अगर कंप्रेसर की बात करोगे तो कंप्रेसर में क्या होता है, हम किसी भी फ्लूड को कंप्रेस करते हैं तो हम क्रैंक के ऊपर फोर्स देंगे, वो क्या करेगा, स्लाइडर के ऊपर आएगा, और स्लाइडर क्या करेगा, फ्लूड को कंप्रेस करता है। तो देखो यहाँ पर इनपुट क्या मिला, अगर मैं बात करूँ सिंपल इसका इनपुट और आउटपुट देखे इसके लिए, ठीक है। देखो अगर इसके बात करूँ रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन, तो आईसी इंजन में इनपुट कैसा मिलता है हमें, इनपुट देखा जाए आईसी इंजन का, देखो सिंपल ये बना के दिखा देता हूँ आपको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये है आपका सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसका, रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन का, तो इंजन है ये, तो इंजन में क्या होगा, यहाँ पे फ्यूल होगा, ठीक है। फ्यूल जब बर्न होगा तो ये क्या करेगा, स्लाइडर को उधर पुश करेगा, तो पुश करने पे क्या होगा, ये स्लाइडर मूव करके यहाँ आएगा और इससे क्या आएगा, क्रैंक के ऊपर फोर्स आएगा। तो इनपुट कैसा है इसका, स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग मोशन है। तो अगर मैं बोलूँ कि इनपुट कैसा है, या फिर बोल दो स्लाइडर बोलो, तो या फिर बोलो रेसिप्रोकेटिंग है, इसको बोल दो कैसा है, ये रेसिप्रोकेटिंग है। और आउटपुट क्या मिला आपको, रोटरी मिला, ये कैसा हो रहा है, रेसिप्रोकेट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, रोटेशन में जा रहा है, रोटेशन मोशन मिल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग टू रोटरी मोशन। तो देखो इनपुट आपने दिया था, अगर आईसी इंजन की बात करो तो कैसा मिला, रेसिप्रोकेटिंग इनपुट है, और आउटपुट क्या है, रोटरी है, ठीक है, कैसा मिला, रोटरी मिला,
रोटेशन मिला, ठीक है। अगर बात करो कंप्रेसर का, कंप्रेसर की अगर बात करें तो कंप्रेसर में क्या होगा कि यहाँ पे क्या होंगे, फ्लूड होंगे, यहाँ पे फ्लूड होगा, ठीक है। तो फ्लूड को क्या करना है आपको, कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने से क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो आपको फोर्स देना पड़ेगा इस साइड से। तो आपने पहले कौन सा मोशन लिया, इनपुट क्या दिया, इनपुट दिया आपको इसको रोटरी मोशन दिया। तो इस केस में अगर इनपुट देखा जाए तो क्या मिला आपको, पहले रोटेशन हुआ, इनपुट क्या है, रोटेशन है, और आउटपुट क्या मिला, स्लाइडिंग हुआ। यहाँ पे क्या होगा, इसका स्लाइडिंग हो गया। तो आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पे, स्लाइडिंग हुआ। स्लाइडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है ना। ये क्या मिला, रेसिप्रोकेटिंग। तो आप देखो इसको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है आप लोग को कि क्रैंक रॉकर और रॉकर क्रैंक जैसा, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो था रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन, अगर मैं इसको 180 डिग्री पे मूव कर देता हूँ या फिर रोटेट कर देता हूँ तो आईसी इंजन क्या बन जाएगा आपका, कंप्रेसर बन जाएगा। अगर मैं अभी बात किया था, जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था अभी फोर बार चेन में, ठीक है। फोर बार चेन में क्या था कि हमने एक ही मिल रहा था, रॉकर क्रैंक, क्रैंक रॉकर को हमने एक माना था। तो यहाँ क्या हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग टू रोटरी, रोटरी टू रेसिप्रोकेटिंग, ये भी कैसा है, एक सिंगल है, सिंगल ही है। तो ये पूरा क्या मिलके बनता है, एक सिंगल इन्वर्जन मिलेगा, ठीक है ना। तो या तो रेसिप्रोकेटिंग बोलो रोटरी, या रोटरी से रेसिप्रोकेटिंग बोलो, तो ये पूरे मिलके क्या बनते हैं, एक इन्वर्जन मिलेगा, क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब सिलेंडर फिक्स रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन्वर्जन मिला, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है आपको, ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म है, बाय फिक्सिंग द लिंक वन बाय वन बट वन एट अ टाइम, एक समय पर हम एक ही लिंक को फिक्स करना है। चलो दूसरा लिंक देखते हैं। अगर मैं दूसरा लिंक को फिक्स करूं, क्रैंक को फिक्स करता हूं, क्या है ये, क्रैंक, क्रैंक को फिक्स करता हूं। देखो ये फिक्स हो चुका है, ये है आपका क्रैंक, ये आपका फिक्स्ड हो गया। तो अगर मैं क्रैंक को फिक्स करता हूं तो यहां पे आपके दो एप्लीकेशन मिलते हैं। ये क्या है आपका, विड्थ वर्थ क्यूक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, और दूसरा क्या है आपका, रोटरी आईसी इंजन, ठीक है। तो देखो विड्थ वर्थ आप पहली बार नाम सुने होंगे, तो विड्थ वर्थ क्या होता है, जैसे आप प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन देख रहे होंगे तो प्रोडक्शन में एक स्लोटर होता है, ठीक है ना। स्लोटर होता है, सेपर होता है, प्लेनर होता है, ये सब होता है। सेपर और प्लेनर मेनली अगर बात करें तो सेपर क्या करता है, किसी भी आपका रॉ मटेरियल उसको सेपिंग करने के लिए, प्लेनर भी वही है। तो जो सेपर और प्लेनर है वो किस एप्लीकेशन पे यूज होते थे पहले, अब नहीं होते हैं। पहले यूज होते थे किस पे, क्विक रिटर्न विथ वर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म पे, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशन था, क्योंकि क्रैंक को आप फिक्स कर रहे हो तो क्रैंक माना जाता है कि वह सबसे क्या है, छोटा सा लिंक है, ठीक है ना। तो आगे डिस्कस करेंगे जब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या मिला आपका, रोटरी आईसी इंजन मिला, ठीक है ना, रोटरी आईसी इंजन। तो इसके दो एप्लीकेशन मिले जब आपने क्रैंक को फिक्स किया। तीसरा बात करते हैं हम लोग, जब आप कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हो तो आपको मिलता है थर्ड इन्वर्जन। तो इसमें आपके दो इन्वर्जन मिलते हैं, दो एप्लीकेशन मिलते हैं। फर्स्ट क्या है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ये क्या है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, QRMM लिखा रहेगा कहीं, तो आप इसको क्या बोलोगे, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन, ठीक है। तो ये जब आप कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हो तो ये आपके दो एप्लीकेशन मिलते हैं। देखो ये जो था, अभी बोला मैं सेपर प्लानर, पहले इस पे यूज होता था पहले, लेकिन अब जो है वो किस पे, इसका बहुत सारे एडवांटेज है, ठीक है। जैसे कि आप तीन तीन चीज मिलेगा इसको कम और ज़्यादा करने के लिए, कि जैसे कि फॉरवर्ड स्टॉक, रिटर्न स्टॉक जो होते हैं उसको आप कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते थे, और लेकिन यहाँ पे केवल सिंगल ऑप्शन था, तो इसीलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मोशन मैकेनिज्म। ये इस, अगर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात करूँ तो ये सबसे क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। यही है आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ, दूसरा एप्लीकेशन मिलता है आपको इसमें थर्ड इन्वर्जन में, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन, ठीक है। चलो अगर बात करो फोर्थ लिंक की, लिंक नंबर फोर, जो कि क्या था आपका, स्लाइडर था। अगर आप स्लाइडर को फिक्स करते हो तो ये क्या मिलता है आपको, हैंडपम्प मिलता है। जैसे हैंडपम्प आपने देखा ही होगा घर और में, घर में रहता है आपके, हर एक जो गांव वाँव में रहते हैं लोग उनके घर में हैंडपम्प लगा रहता है, जिसको आप कल और नल भी बोलते हो, है ना, जो ऐसे रहता है, ठीक। वहाँ पर क्या था आपका, स्लाइडर फिक्स है, स्लाइडर फिक्स है, और वो ऐसे करते हो तो यहाँ से
निकलता है, जैसे देखे हो ना, ये हो गया आपको कुछ ऐसे रहता है, यहाँ आपका नल लगा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका हैंड पंप है, यहाँ पे आपका ये कुछ, तो स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं, ये अप ऑन डाउन होता है, ऐसे ऐसे होगा, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर बाहर आता था, ठीक है। ये ऐसे इसको हम लोग मोशन देते हैं। तो ये अगर आप फोर्थ लिंक को फिक्स करोगे जो कि स्लाइडर है, तो आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन हैंड पंप, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, क्रैंक एंड स्लोटेड रिवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ठीक है।